दोस्तों बिग बॉस 14 को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। 14th सीजन में कई सेलिब्रिटीज बतौर कंटेस्टेंट शामिल हो सकते थे बिग बॉस में, पर कोई ना कोई रीजन की वजह से इन सेलेब्स ने दिखा दिया बिग बॉस 14 के मेकर्स को ठेंगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो के थ्रू आपको उन सेलेब्स की डिटेल बताने जा रहे हैं जिन्होंने पहले तो बिग बॉस 14 के सदस्य बनने के लिए हाँ कहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अपना मन बनाया और अपना नाम बैकआउट कर दिया इस शो से। तो आइए हम नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ नामों पर जिनके बैकआउट करने से व्यूअर्स के अरमानों पर पानी फिर गया। निया शर्मा, एशियाज ब्यूटीफुल एक्ट्रेस निया शर्मा पहले तो बिग बॉस 14 हाउस जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अब ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने अपना मन बदल दिया है और अब वो शायद बिग बॉस 14 में नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि उनको अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर कंसंट्रेट करना है, इसीलिए बिग बॉस 14 की ऑफर को इन्होंने दिखा दिया है ठेंगा। सूरभि ज्योति, नागिन 3 की नागिन सूरभि को भी बिग बॉस 14 में शामिल होने का ऑफर था, पर सूरभि ने भी इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि सूरभि अपनी फिल्म सोनम गुप्ता बेवफा है की फिल्मिंग और प्रोडक्शन के काम में बिजी होने के कारण इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। शिविन नारंग, वेल ना सिर्फ साल 2020 में बल्कि 2019 में भी शिविन को बिग बॉस ऑफर किया गया था, पर अपने प्रोजेक्ट्स जैसे कि बेहद और खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में बिजी होने के चलते शिविन नारंग इस शो का हिस्सा नहीं बने। एले गोनी, टीवी के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम हंक एले गोनी को भी बिग बॉस ऑफर किया गया था, पर एक सोर्स ने स्पॉट बॉय को रिवील करते हुए कहा एले इसलिए ये शो नहीं करना चाहते क्योंकि जो फीस उनको बिग बॉस ने ऑफर की है वे उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। वेल दोस्तों हम आपको बता दें कि एले की फीस की डिटेल्स आउट नहीं हुई हैं। मानसी श्रीवास्तव, दोस्तों ऐसा सुनने में आया था कि मानसी इस शो का हिस्सा बनेगी, पर जब उनको पता चला कि उनके एक्स फियांसे मोहित भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, तब ये जानने के बाद मानसी ने अपना मन बना लिया और इस शो को रिजेक्ट कर दिया। सारा गुरपाल, पंजाब की ऐश्वर्या राय और पंजाब की कैथरीना कैफ, हिमांशी खुराना और शहनाज गिल के बिग बॉस 13 की बेशुमार पॉपुलैरिटी के बाद मेकर्स ने पंजाब की एक और ब्यूटी सारा गुरपाल को किया सलमान खान होस्टेड इस शो के लिए अप्रोच, पर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने इस शो की ऑफर को दो रीजंस की वजह से ठुकरा दिया। वेल सारा ने पहली वजह ये रखी कि वो अपने दूसरे वर्क के साथ कमिटेड हैं और दूसरी वजह है शो का डिले होना। अनु मलिक, बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट अबू मलिक के भाई और म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक को भी इस शो के लिए किया गया था अप्रोच। मेकर्स के अप्रोच के बाद अनु मलिक बहुत एक्साइटेड हुए, पर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि डील आगे बढ़ी ही नहीं और उन्होंने इस शो को करने से मना कर दिया। आमिर अली, वेल दोस्तों हम आपको बता दें कि टीवी एक्टर आमिर ने भी बिग बॉस की ऑफर को रिजेक्ट किया। खबरों के मुताबिक आमिर को शो का हिस्सा बनने के लिए मेकर्स ने बड़ा अमाउंट ऑफर किया था, लेकिन आमिर ने शो का हिस्सा बनने से मना कर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब आमिर को सलमान खान का शो ऑफर हुआ हो। इन दिनों आमिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, इसलिए मेकर्स चाहते थे कि आमिर बिग बॉस 14 का हिस्सा बने। चाहत पांडे, टीवी सीरियल हमारी बहू सिल्क की लीड एक्ट्रेस को भी बिग बॉस 14 के लिए अप्रोच किया गया था, पर चाहत ने इस शो की ऑफर को ठुकरा दिया। चाहत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे ये शो ऑफर किया गया था, पर अभी मैं रियलिटी शो में काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं अभी सीरियल्स की ऑफर्स पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, मे बी इन कमिंग फ्यूचर मैं बिग बॉस शो में काम करूंगी। तेजस्वी प्रकाश, खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 की कंटेस्टेंट तेजस्वी प्रकाश को भी बिग बॉस 14 के लिए कंसीडर किया गया था, पर ऐसा सुनने में आया है तेजस्वी ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट तो किया है लेकिन वे शो का हिस्सा बनते बनते रह गई। अध्ययन सुमन, शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने भी बीच में सुर्खियां बटोरी थी जब उनका नाम बिग बॉस 14 में वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स के लिए लिया गया, पर अध्ययन ने ट्वीट्स के जरिए सबको बताया कि ये मेरा कैरियर गोल नहीं है और मैं इस शो का हिस्सा नहीं बनने वाला हूँ। शुभांगी आत्रे, टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है कि अंगूरी भाभी को भी सलमान खान होस्टेड शो बिग बॉस 2020 का ऑफर आया, पर उन्होंने इस शो के एटमॉस्फेयर की वजह से और अपने सीरियल की वजह से किया इस शो को रिजेक्ट। चाहत खन्ना, बड़े अच्छे लगते हैं फेम एक्टर चाहत खन्ना को भी ये शो ऑफर किया गया था, पर एक्ट्रेस का मानना है कि ये शो उनके लिए नहीं बना, इसलिए उन्होंने किया ये शो रिजेक्ट। राजीव सेन, हाल ही में राजीव सेन अपनी बीवी चारू के साथ अपनी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। इन्हीं न्यूज की वजह से ऐसा अज्यूम किया गया कि शायद वो इस साल के बिग बॉस में शामिल होंगे, पर राजीव ने रिसेंटली खुद रिवील किया है कि ही इज नॉट टेकिंग पार्ट इन बिग बॉस 14। राजीव ने ये बात अपनी इंस्टा स्टोरी के थ्रू सबको बताई। वेल दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बाकी सारी न्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ।
our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.